जगह ढूंढ लिया है, कोई भी नहीं मिल रहा है सर। सर मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ सर, कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। सर एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक लड़की आ रही है, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। ओके सर। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी सर। कहाँ से आ रही हैं आप? कहीं नहीं, बस यहीं से आ रही है घूम के। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है, और आप अकेली इधर क्या कर रही हैं? वो बस ऐसे घूमने आई थी मैं। आपको पता है विवान कंपनी में चोरी हो चुकी है हीरो की। क्या चोरी? मुझे तो नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता, मुझे ना आपकी चेकिंग करनी पड़ेगी। तुम पागल हो क्या? मेरी क्यों चेकिंग होगी? मैंने थैला चुराया है वो हीरे। अरे आपने चोरी नहीं की, चोर ऐसे कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। आप इधर नहीं जा सकती जब तक आपकी चेकिंग नहीं हो जाएगी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आप जेंट्स हो और मैं लेडीज, आप कैसे मेरी चेकिंग कर सकते हो? अगर आपको मेरी चेकिंग करनी है तो लेडीज पुलिस को बुलाओ, वो मेरी चेकिंग करेंगी, आप नहीं। अरे मैं लेडीज पुलिस को कहां से बुलाऊं? मैं यहां पर हूं तो मैं ही चेकिंग करूंगा। जब तक मैं लेडीज पुलिस को बुलाऊंगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आपको नहीं पता वो कितने महंगे हीरे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे चेकिंग नहीं करवा सकती, सॉरी। देखो आप ना राजी राजी अपनी चेकिंग करा दीजिए, वरना मुझे आपको थाने ले जाना पड़ेगा और आपकी चेकिंग लेडीज पुलिस करेगी। आपको वो मंजूर है या फिर आपको ये मंजूर है मैं आपकी चेकिंग करूं? बताइए क्या करना है मुझे। नहीं नहीं सर, थाने मत लेकर जाइए, आप एक काम करो आप ही चेकिंग कर लीजिए। लाओ चेकिंग कराओ अपनी। एक्सक्यूज मी, मुझे ना बहुत देर से प्यास लग रही है, और यहाँ कोई आसपास नल या कोई दुकान भी नहीं है जहाँ से मैं पानी ले लूँ। आप मुझे पानी दे सकती हैं? जी जरूर, लो। चलिए चलिए अपनी चेकिंग कराइए आप। सर अब तो हो गया आपको यकीन कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मैं जा सकती हूँ? बाद में जाना, पहले अपनी जेब चेक कराओ। क्या मैं ये पानी की बोतल ले सकती हूँ? जी जरूर, थैंक यू। चलिए जेब चेक कराइए अपनी। सर अब तो आपको यकीन हो गया, क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है जाइए। हेलो सर, मैंने अभी अभी एक लड़की की चेकिंग की थी। जी सर। हाँ सर, उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला। ओके सर। यार अब तो हीरे भी मेरे पास हैं, और अब तक आई क्यों नहीं वो? कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस वाले को उस पे शक हो गया हो? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हीरो तो मेरे पास ही है, पता नहीं कहाँ रह गई। अक्षरा यार तू तो सही टाइम पे आ गई, अगर तू तो सही टाइम पे नहीं आती ना तो आज तो मैं पकड़ी जाती। हाँ मुझे पता था तू तो पकड़ी जाती, क्योंकि मैंने तुझे देख लिया था पानी में हीरे डालते हुए, इसलिए मैं तुझसे आ गई पानी मांगने के लिए। क्या? मैं तो ये सोच रही थी कि अक्षरा ने अचानक से आकर मेरे से पानी की बोतल ही क्यों मांगी। कसम से मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन तूने टाइम पे आकर मुझे बचा लिया। हाँ अगर मैं नहीं आती तो कौन आता? हाँ ये तो है, पर ना अब तो हम पर लाखों के हीरे आ गए, और हम आराम से विदेश में जाकर ना एंजॉय करेंगे। हाँ और हमसे ज्यादा तो कोई अमीर भी नहीं होगा अब। हाँ और वो सारे सपने पूरे करेंगे जो हम सपने देखते थे। हाँ यार अब यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से, क्या पता वो पुलिस वाला फिर से आ जाए। हाँ यार तू सही कह रही है, अभी तो उस पुलिस वाले से छुटकारा मिला है, चल जल्दी चल। हाँ चल। अच्छा तो यहाँ प्लान बनाया जा रहा है, हीरे इन्हीं के पास हैं और मुझे दोनों लड़कियों ने बेवकूफ बना दिया, एक ने पानी मांगा और एक ने पानी दे दिया। अरे वाह वाह बेटे, अब तो पकड़ी गई है।
देखो सुनो, इससे हम पर शक हो गया है क्या? ये तो फिर आ गया। सही कह रही है तू। जी सर। हीरे तुम्हें कि तुम्हारे पास है ना? नहीं सर, अभी तो आपने चेक इन करी थी हमारी। हीरे तुम्हें मिले कोई? तेरी चेकिंग की है मैंने, इसकी नहीं। ए लड़की, चल अपनी चेकिंग करा। ठीक है सर। सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं चेकिंग के लिए। अच्छा अच्छा, एक काम करो, मुझे ना बहुत तेज की प्यास लगी है, जरा पानी पिलाना मुझे। अरे नहीं सर, जाके आप ले लो कहीं से। ये तो हमारा झूठा पानी है, आप इसे क्यों पियोगे? अरे कोई नहीं, मैं झूठा पी सकता हूँ आपका, दीजिए पानी। पर सर। अच्छा आप एक बात बताइए, आपसे इन्होंने पानी मांगा तो आपने तो बोतल इनको दे दी, और मैं पानी मांग रहा हूँ तो मुझे देने में आपको दिक्कत हो रही है? नहीं सर, उस टाइम पे नहीं, पानी झूठा नहीं था। अब झूठा हो गया तो आप थोड़ी ना हमारा झूठा पानी पियोगे। कोई नहीं, सब चलेगा, लीजिए पानी की बोतल दीजिए आप। इस पानी के अंदर क्या है सर? क्या है पानी के अंदर सर? हमें नहीं पता क्या है इस पानी में, हमने तो बस दुकान पे सब बोतल ली थी पानी की। हाँ अच्छा, मुझसे झूठ? एक पुलिस वाले से झूठ बोला जा रहा है? नहीं सर, हम झूठ नहीं बोले, हम सच बोले हैं। मैंने ना तुम दोनों को बात करते हुए देखा था, तुम दोनों ने ये हीरे चुराए उस कंपनी से, और तुम दोनों को ना अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं सर, हमें जेल में मत डालो प्लीज, हमें माफ कर दो। हाँ प्लीज, हमें माफ कर दो। अब तुम्हारी माफी जेल के अंदर होगी, चलो मेरे साथ। नहीं सर, अगर हम जेल में चले गए तो मैं तो करियर खराब हो जाएगा। जी करियर खराब तो होना ही है, तुमने काम ही ऐसा किया है। अब आप राजी राजी चल रही हो या फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी? सर प्लीज माफ कर दो हमें। हाँ। जेल में मत लेकर जाओ, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ।